हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोहन चैनल। माय नेम इज मनोरमा। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी फ्लिपकार्ट की तरफ से फिर से एक नई जॉब ओपनिंग आई है उसके बारे में। ये भी कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन इस टाइम आपको कहीं कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैम, फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है या उठा नहीं रहे, ये कोई भी दिक्कत आपको इस बार नहीं आएगी, क्योंकि इस बार मैंने डायरेक्टली एचआर से कॉन्टैक्ट कर ही ये जो है फॉर्म जो है गूगल का वो ले लिया। लेकिन आप उस पर डायरेक्टली जंप करो उससे पहले एक बार वीडियो को देख लो भाई, समझ लो कि आपको अप्लाई कैसे करोगे, तो आपको जाकर यहाँ पर से रिवर्ट बैक आने वाला है। ओके गाइज, तो देखो गाइज, फ्लिपकार्ट पे फिर से एक बार एक यहाँ पर थोड़ी सी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ना, वो थोड़ी सी अलग है। वहाँ पर क्या था आपका, मेरे ख्याल से कॉलिंग का प्रोफाइल था जहाँ पर आपका वॉइस बेस्ड था, राइट। लेकिन यहाँ पर सेमी वॉइस बेस्ड के लिए है, मतलब आपको यहाँ पर ईमेल का काम करना है, सेमी वॉइस में है। आपको यहाँ पर क्या करना है, फ्लिपकार्ट के जो कोई भी कस्टमर्स होते हैं ना, उसको आपको ईमेल के थ्रू में उनके जो कोई भी क्वेरीज आते हैं या जो कोई भी इनके जो नोटिफिकेशन होते हैं, ये उनको आपको सेंड करना होता है। तो एक बेसिक सा काम आप लोग को प्रोफाइल समझ में आया होगा, ठीक है। अप्लाई कौन कर सकता है, यहाँ पर एक बात और अच्छी है कि गाइस, यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पर लास्ट टाइम आई गेस सिर्फ 11,000 कुछ तो सैलरी था, राइट। लेकिन इस बार जो सैलरी मिल रही है ना आपको, नियर अबाउट 26,000 है, जिसमें से इन हैंड आपको 21,000 तक मिलने वाला है गाइज। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव वन मोर अपडेट गाइज। जो आप लोग हमेशा बोल रहे हो ना मुझे कि मैम यहाँ से रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है, मैंने ये हर जगह पर ट्राई किया मैम, लेकिन मुझे कहीं से रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है, मुझे कोई जॉब नहीं लग रहा है, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई हूँ। तो गाइज, एक काम करो, थोड़ा सा खुद को टाइम दे दो, एक महीना खुद पढ़ाई करो, कुछ ऐसे स्किल्स खुद में डेवलप करो जिसके थ्रू में आपको कंपनीज जॉब दे दे। तो मैं हमेशा ही आप लोगों को बोलती हूँ कि एक ऐसा एक जरिया है जहाँ पर आपको सारी कंपनीज, मैं कह रही हूँ सारी एमएनसी कंपनीज, नियर अबाउट 200 प्लस जितने कंपनीज है, वो खुद आपके पास में चल के आएगी। आपको बस क्या करना होता है, तो आपको एक टेस्ट देना होता है। री लेवल के बारे में मैं गाइज बात कर रही हूँ, जहां पर अभी नियर अबाउट मेरे ख्याल से 10 से 11 टेस्ट अवेलेबल हो गया है, टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया, हर तरह की टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। आपको कोई भी पर्टिकुलर ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा है, एज अ फ्रेशर आप यहाँ पर किसी भी टेस्ट में दे सकते हो। आज अगर आप फेल होते हो तो कल आप फिर से टेस्ट दे सकते हो, कल फेल हो गए फिर से आप दे सकते हो। मेरा लेकिन एक बहुत ही, मैं एक जेन्यून ऐसा सजेशन इसके लिए दूंगी, देखो गाइस, यहाँ पर आपको पैसे नहीं भरने इसलिए आप उसको लाइटली ले रहे हो क्या, नहीं, मत ऐसा करो। देखो यहाँ पर उन लोगों ने कंप्लीटली उसकी जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए जो कोई भी मटेरियल होता है, जो गाइडलाइंस होती है, वो सारी इन लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड किए। ये लोग खुद कहते हैं, आपने देखा भी होगा वेबसाइट पर जाके कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एज अ फ्रेशर यहाँ पर 22 लाख तक का भी पैकेज इन लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ। इफ दे कैन देन व्हाई नॉट यू। अब ये मत कहो मुझसे कि मैम हमें जॉब नहीं मिल रही, खुद को इतने काबिल बना लो कि जॉब खुद चलकर आपके पास में, और एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहां पर आपको एक रुपया एक पेनी भी नहीं फेंक करनी है, राइट। और अभी तो जैसे इन लोगों ने एचआर का भी ले लिया है, ऑपरेशंस का भी ले लिया, अभी एंड्रॉइड डेवलपमेंट का भी टेस्ट इन लोगों ने लॉन्च किया है, बिजनेस डेवलपमेंट का तो इनके पास में पहले ही था। तो नियर अबाउट 10-11 एग्जाम्स टेस्ट है, जिसके लिए मेरे ख्याल से हर कोई 11 एग्जाम में से कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली फिट बैठता है, राइट। तो आपको उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, खुद को टाइम दो, 15 दिन 20 दिन, उसको मटेरियल के थ्रू में जाओ। देखो इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए आप 7 दिन लेते हो ना, तो एक एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए 15-20 दिन नहीं देख सकते हो क्या, है ना। हर जगह पर थोड़ा टाइम लगता है, इन लोगों ने सिलेबस दिया है, आपका बस एज 18 प्लस होना चाहिए, आप उसके एग्जाम जो सिलेबस दिया है उसके थ्रू में चले जाओ। यहाँ पर इनका जो एग्जाम है एक बार इसको देख तो लो कैसे देते हैं, लैपटॉप नहीं है मैम, कंप्यूटर नहीं है, 1-2 घंटे के लिए कहीं और चले जाओ, मतलब जहां पर अवेलेबल होता है लैपटॉप इंटरनेट, ऐसी जगह पर चले जाओ और वहां पर जाकर एग्जाम दे दो। इन केस अगर आपका स्कोर एक बार 700 के ऊपर आ गया ना, अरे भाई कंपनी खुद चलकर आपके पास में आ रही है, इन आपको जॉब के लिए वो खुद हायर करने वाली, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको बस सीवी भी यहाँ पर पोस्ट करने की जरूरत नहीं है गाइज, आपका बस स्कोर ही आपका सब कुछ बोलने वाला है यहाँ पर, ठीक है गाइज। तो प्लीज एक बार मेरा एक जेन्यून ऐसा मेरा कहना है आप लोगों के साथ में कि एक बार इस जो टेस्ट अवेलेबल है उसके थ्रू में चले जाओ, मेरे ख्याल से हर कोई एक ना एक टेस्ट में जरूर फिट होगा। ओके, तो एक बार री लेवल के जो सारे लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, अप्लाई जरूर करके देखना गाइज। अब बात करती हूँ आज के जॉब के बारे में, फ्लिपकार्ट के लिए जो बात कर रही हूँ, लास्ट टाइम बहुत हो गया था, हाँ सिलेक्शंस हो गए थे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का, बट बहुत जगहों का कहना ये था कि मैं कॉल नहीं उठा रहा, जैसे मैंने कहा कि बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा था। तो इस बार मैंने क्या किया है कि गूगल फॉर्म को दिया है, लेकिन जैसे ही एचआर का कोटा खत्म होता है फॉर्म एक्सेप्ट करने का, तो वो फॉर्म्स भी क्लोज हो जाएंगे। तो जैसे ही आप ये देखते हो वीडियो को, अप्लाई करके जरूर देख लेना। ओके, अब अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने कहा गाइस कि ये सेमी वॉइस प्रोसेस का ईमेल से रिलेटेड है, ईमेल प्रोसेसिंग का यहाँ पर काम है, वर्क फ्रॉम होम है, पैन इंडिया आप कहीं से भी हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सैलरी 26K का है, इन हैंड आपको 21K यहाँ पर जरूर मिलने वाला है, लेकिन ये काम करने के लिए इन लोगों ने आपके पास में एक्सपीरियंस मांगा है, मिनिमम 1 साल का आपका बीपीओ इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस इन लोगों ने यहाँ पर मांगा है,
क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, किसी भी ईयर के पास आउट हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर गाइज एक और अच्छी बेनिफिशियल बात यह है कि 5 दिन का काम है, 2 दिन आपको यहाँ पर ऑफ मिलेगा, लेकिन वो रोटेशनल वाइज में ऑफ मिलने वाला है। विंडो जो रहती है काम करने की वो 9 आवर्स की रहती है, मॉर्निंग से 8 AM से लेकर 9 PM का इनका स्लॉट रहता है काम करने का, इसमें से 9 आवर्स की आपकी शिफ्ट रहने वाली। ईमेल प्रोसेसिंग का ये काम है, इसका ये काम आप मोबाइल के थ्रू में नहीं कर सकते हो, आपको ये काम करने के लिए आपके पास में लैपटॉप होना जरूरी है, जहां पर आपका विंडोज 10 आना चाहिए, देन 4 GB का रैम होना चाहिए और i3 का प्रोसेसर, ये इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इन लोगों ने मांगा है। अब अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने कहा कि गूगल का फॉर्म जो है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब फिल करते समय यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक बार ध्यान से देखना और इसको पढ़कर ध्यान से इसको सबमिट करना। अब देखो जैसे इन लोगों ने कहा है, सबसे पहले यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको पढ़ लो। यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर फिलिंग द फॉर्म यू जस्ट सेंड द CV, बट मैंने जब HR से बात की तो उसने कहा कि नहीं अभी इसको CV सेंड करने की जरूरत नहीं, बस आप ये गूगल का फॉर्म जो है उसको सबमिट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है, तो आपका नेम भरना है, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट नंबर। अगर आपको लगता है कि कोई भी गूगल फॉर्म मुझे मतलब भरने से ये कॉल्स आ रहे हैं, ये कुछ हो रहा है, तो आप जो नंबर आप यूज में नहीं करते हो, पर्सनल नहीं है, बिजनेस लेवल के लिए रखा हुआ है, ऐसा कोई नंबर आप यहाँ पर फिलअप कर रहे हो, ओके। ईमेल, क्वालिफिकेशन जो है आपका वही दे देना यहाँ पर, देन आप कौन से कम्युनिकेशंस के आपका रेंज लेवल क्या है वो यहाँ पर देख लेना, फिर आप कौन से लैंग्वेजेस बोल सकते हो, मेरे ख्याल से जितने लैंग्वेजेस आप यहाँ पर बोल सकते हो उतने लैंग्वेजेस यहाँ पर डाल देना, देन सैलरी का एक्सपेक्टेशंस कितना है, पिछले कितना था, आपके पास में एक्सपीरियंस कितना है वो यहाँ पर डाल दो, डेट ऑफ बर्थ डाल दो, और कमेंट में जो इन्होंने पूछा है तो यहाँ पर सिंपली लिख देना कि ईमेल सेमी वॉइस प्रोसेस का फ्लिपकार्ट, कमेंट में ही जॉब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वही लिख देना और इस फॉर्म को सबमिट कर देना, एंड डेफिनेटली रिवर्ट बैक जरूर आएगा क्योंकि ये एक्टिवली हायर कर रही है, ओके। तो इनसे बात कर ही मैंने यहाँ पर रिज्यूम जो है फॉर्म जो है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करी। और एक चीज़ मतलब बहुत ही कहना चाहूँगी उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को लगता है कि मैम यहाँ पर मतलब अभी तक मैंने 100 जगह पर अप्लाई किया है लेकिन कहीं से भी रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है, एंड दे आर रियली नीड इन द जॉब कि नहीं हो रहा है मैम, कहीं नहीं हो रहा, हार चुके हो, ऐसे लोग बस मुझे, मैं ज़्यादा कोशिश नहीं मतलब फ्रेंकली बोलती हूँ, मैं यहाँ पर 3 से 4 लोगों को ही बोल रही हूँ कि जिनको यहाँ पर चांसेस है कि आपका जो CV है वो मुझे भेज दो मेरे ईमेल आईडी पर, और ये फ्लिपकार्ट के जॉब के लिए मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी क्योंकि ये अच्छा से अच्छी सी बात हो गई है, इसीलिए मैं थोड़ा सा श्योर हूँ इसके बारे में कि डायरेक्टली इनका जो इनको मैं रिकमेंड कर सकूँ मेरी तरफ से, ओके। तो 3-4 लोगों को ही मैं बोल रही हूँ, अब आप में से कितने लोग मुझे भेजेंगे और उसमें से कितने 3-4 लोग जिनको लिटरली नीड है और जो हार चुके हैं कि अब कहीं कुछ नहीं हो रहा है, वही लोग प्लीज मुझे मेल कर देना, ओके। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, विल गेट इन टच इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।